हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रावनी इन्फोटेक। तो आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो है रेडमी नोट 5 प्रो का जो न्यू अपडेट है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर बहुत तरह के रोम आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी जो डिवाइस है हमारा रेडमी नोट 5 प्रो उसके ऊपर ग्लोबल स्टेबल रोम 10.0.6.0 का रोम आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ग्लोबल बीटा जो रोम है वो आपको हर वीक देखने को मिल जाता है, लेकिन जो स्टेबल अपडेट है 10.0.6.0 इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर बैटरी बैकअप इसका बहुत ही बेकार आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि एक नया रोम, एक नया सीरीज चाइना के अंदर रिलीज हो गया है जिसका नाम है ग्लोबल चाइना रोम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं MIUI 10.2 का स्टेबल अपडेट 10.2.1.0 ओरियो बेस्ड अपडेट 8.1 पर है और ये 3GB रैम वेरिएंट है आपका देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले कंफर्म हो गया क्योंकि Redmi Note 5 Pro इंडिया में 3GB रैम वेरिएंट लॉन्च नहीं हुआ था, ये सिर्फ चाइना के लिए था। तो ये कंफर्मेशन मुझे मिल गया है कि चाइना में नया सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि Redmi Note 5 जो है वो आपका इंडिया में Redmi Note 5 Pro बोला जाता है और जो इंडिया में Redmi Note 5 है उसे चाइना में Redmi Note 5 Plus बोला जाता है। तो यहाँ पर सारे हैंडसेट के जो नाम है वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है और चाइना में ये 3GB रैम वेरिएंट आपको लॉन्च हुआ था Redmi Note 5 Pro का। तो ये तो कंफर्म है कि नया सीरीज़ यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिलेगा और इंडिया में 10.1 का सीरीज़ बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा था और इसके साथ यहाँ पर 10.0.6.0 के बाद 7 और 8 का सीरीज़ में भी आपको देखने को नहीं मिले क्योंकि यहाँ पर Redmi S2 यानी Redmi Y2 के अंदर भी ये अपडेट सक्सेसफुल नहीं था। अगर आप पुराने यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट के अंदर 4 से 5 अपडेट आपको देखने को मिल जाता था और यहाँ पर बैक टू बैक आपको 10.1 के सीरीज़ में ग्लोबल स्टेबल में आपको यहाँ पर 6 अपडेट देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर आपका नया अपडेट कन्फर्म है कि 10.2 का स्टार्ट हो जाएगा और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो 10.2 का सीरीज है ये चाइनीज़ रोम है और ये आपका ग्लोबल स्टेबल और ग्लोबल बीटा से डिफरेंट होता है। ये सिर्फ चाइना के लिए रिलीज़ किया जाता है, लेकिन आप पुराने यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि जो भी चाइना में अपडेट आता है उसके 10 दिनों के बाद ये ग्लोबल स्टेबल के रूप में आपको देखने को मिल जाता है और ग्लोबल स्टेबल के अंदर हमारे कंट्री इंडिया और बहुत सारे कंट्री आपको देखने को मिल जाता है, उसे ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द यहाँ पर आपको नया अपडेट देखने को मिलेगा, नया सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा और 10.7 या फिर 10.8 का सीरीज़ ना मिले तो बहुत ही बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पर जो नया सीरीज़ है इसके अंदर फीडबैक जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, मैं कन्फर्म पहले नहीं था, 2-3 दिनों से रेगुलर कमेंट्स यहाँ पर आ रहे थे कि ये जो रोम है वो बहुत ही अच्छा है और 400 प्लस कमेंट्स मैंने देखे हैं जिसमें से यहाँ पर चाइनीज़ रोम के बारे में बताया गया है कि नया सीरीज़ का रोम ये बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है। तो यही इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए। तो उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही देखते रहें हमारा चैनल रावनी इन्फोटेक।